करया नहीं, वो भी हमारे ऊपर तो बहर जो हमने कर दिया, वो भी हमने भाई गरीब किसान मजदूर की आवाज उठाई है। अरे इस तना साई सरकार ने जो गरीब की आवाज उठाओगा तो जेल में जरूर जाएगा। आवाज दबा बोले कि आप लेटरिंग साफ करो, कहता भाई हम इस आके मर्डर करके जा रहे थे, कोई जुर्म करके जा रहे थे, इस सरकार की कठपुतलिया में लेटरिंग साफ करांगे। भाई हम अंदर भी आवाज उठा के आए हैं, भाई हम नहीं लेटरिंग साफ करांगे, हम नहीं सफाई करांगे। सरंगाई बैर वडेरी है, ये एक बिजनेस इसने जेल के अंदर भी खोल रहा है। ये हमारे गरीब लोग 200-200, 400-400, 500-500 रुपये करके उनके खाते में गए रहे हैं, उन्हें बैर से मिला भाई बिल्कुल खाने योग्य खाना नहीं है। मैं रणजीत चौटाला से जेल मंत्री से ये कहना चाहता हूँ, दौरा कर वहाँ जाके देख जहाँ हम बैठे थे ना रिहाई के लिए। नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल खटखट टोल पर मौजूद हैं, और खटखट टोल पर जो किसान आज यहाँ पर है, किसानों की रिहाई हुई है जीन जेल से, जो 3 दिन पहले आपने देखा था उचाणा थाना में जो किसानों ने आत्मसमर्पण किया था, जो गिरफ्तारी हुई थी, तो आज किसान है जो जेल से बाहर आए हैं, और जेल से बाहर आए हैं तब जेल के बाहर किसान है जो भारी संख्या में पहुँचे थे, फूल मालाओं के साथ स्वागत किया, मीठा मुँह करवा गया। तो जो किसान जेल के अंदर गए थे, हम बातचीत भी करांगे, 2 महिलाएं थी जो खटखट टोल पर अहम भूमिका रही है आंदोलन को उठाने में, अनीता सुदकण जी और एक ताई बबलिया खटखट है और सरपंच साहब है, तो 6 लोग गए थे, तो आज जेल से बाहर तो बातचीत करांगे। बेबे राम 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 भाई। तो जेल के अंदर गए हो, ईसा के जुर्म कर दिया था पहले तो ये बता दो आप, किस तरह की धारा आपके ऊपर लगी थी जो जेल के अंदर गए? ये ताना साई सरकार है भाई, धारा तो इनके पता नहीं कितनी ले देंगे मेरे ऊपर। हम सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज उठावे मामे नहीं, कोई भी किसान मजदूर गरीब इंसान कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज उठावे उसे पे भाई धारा पे धारा धारा पे। आज हमें पता लगे भाई की हमारी 2 किस्सा में जमानत हुई है और हम 2 किस्सा में पीओ घोषित थे। बताओ जिस केस में ये प्रशासन, जिस प्रशासन ने हमारे पे बुलाया पुछला के हमने लेके गए अंदर, वो उसने बयान दिया अखबार में कि दुष्यंत चौटाला और ढोंगी एक ढोंग रचा था भाई एडे टोल पे, और उस दिन मेरा थे नरेश का उसने प्रोग्राम रखा उस दिन रोड जाम का, जिस दिन हमें उरे थे भी नहीं, कि आपने भी मेरा पूरी मीडिया में उठा के देख लो पिछली वीडियो, जो हमें उस रोड में जाम करने में कहीं भी हूँ, और वो केस मार पे ले रखे भाई, तना सही है कोई भी केस ले देगा। जो हमने जुर्म कराया नहीं वो भी हमारे ऊपर तो बहर जो हमने कर दिया, वो भी हमने भाई गरीब किसान मजदूर की आवाज उठाई है, और इस तना साई सरकार ने जो गरीब की आवाज उठाओगा तो जेल में जरूर जाएगा। आवाज दबाने का प्रयास किया गया है? हाँ, आवाज दबाने की, लेकिन सरकार ने समझ जाना चाहिए भाई। मैंने ये मैंने नहीं, मेरे जो का कहता हूँ मेरे भाई मेरे साथ गए, मेरी बाण बबली गई है, ये सरकार भूल जाए कि हम जेल से डर गए, हम 1000 बार 1000000 बार जेल जावांगे, लेकिन गरीब किसान मजदूर की आवाज नुए उठावांगे। जर गरीब बांक है तर इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते तो हमने उम्र कैद काटनी पड़ेगी तो वह भी काटेंगे भाई, फांसी टूटना पड़े तो वह भी टूटांगे। तो जेल के अंदर किस तरह का व्यवहार आपके साथ किया गया है? देखो हमारे साथ तो क्या व्यवहार करेंगे वे, वह तो भाई सरकार की कठपुतली है, प्रशासन तो जैसा सरकार ऑर्डर देवेगी वैसा ही काम करेगी। हमारे साथ जो भीतर हमारे कैदी है, हमारे दुखी इंसान जो भी कोई झूठे केस में जा भाई, कोई साची में, ये ताना साई सरकार है, कोई एमएलए मंत्री का बेटा तोड़ा बैठा को नहीं, गरीबां के तेरे मेरे वर्गी लेडीज भी बैठी हैं भाई, अध पार करखी है अंदर प्रशासन ने, देख लो ताना साई देख लो इस सरकार की। हमारे से बोलिया कि आप लेटरिंग साफ करो, कहता भाई हम इस आके मर्डर करके जा रहे थे, कोई जुर्म करके जा रहे थे, इस सरकार की कठपुतलिया में लेटरिंग साफ करांगे। भाई हम अंदर भी आवाज उठा के आए हैं, भाई हम नहीं लेटरिंग साफ करांगे, हम नहीं सफाई करांगे। सरकार प्रशासन ये लान लग रहा, असल तो ये भर्ती नहीं खोलते भाई, बतेरे मारे गरीब मजदूर फिर हैं, लगा लो उन्हें भाई, हमने नौकरी पे ले लो, हम सफाई कर देंगे। नू बता हमें उड़ा कैद काटने गए उनकी सफाई करने गए हाँ, मारे गले ताना साई बरतन की कोशिश करी, लेकिन भाई हम जैसे बाहर आवाज़ उठावा हाँ, एक गरीब किसान मजदूर की बेटी हूँ मैं, मैंने अंदर भी आवाज़ उठाई, मैंने उनकी वहाँ भी ताना साई नहीं बर्दाश्त करी, आवाज़ उठाई, और जो काम उन्हें ताना साई दिखाई मैंने बिल्कुल नहीं करे। ठीक करे मतलब, तो जो और जाओ तो उनके साथ इस तरह व्यवहार करते हो? हाँ, जो अंदर आवाज नहीं उठाता भाई उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करें, वहाँ जेल में भी, वहाँ जेल में भी कोई दादागिरी है, जो बड़े घराने की एक आधी जहरी है सपैरसी, उसके भाई उड़े कपड़े भी धोएं, उसके पैर भी दबाएं, उसके खाना भी तैयार करें, लेकिन उनके आगे भाई हमने अड़े भी, हमें उनके खिलाफ भी बोले हैं, जो वहाँ ड्यूटी कर रही थी लेडीज उसके खिलाफ भी बोले भाई, हम वहाँ भी अपने जो हम मरते हमारे काकेता हुआ ना आशीर्वाद देकर जो तारे वर्गे भाइयों का सहयोग था, हम बोलने सीखे थे, हमने जेल के अंदर भी वो काम कर भाई, हमें वहाँ दबे नहीं ना, हमें डरे कितना भी टॉर्चर कर लो ये सरकार, हमें नहीं डरना आई, हम मैंने बोल दिया हम तो आगे भी जेल में जाने खातर तैयार हैं भाई, चाहे उल्टे ले जाओ कोई डर नहीं जेल। जो किसान
किसान मजदूर की आपने आवाज उठाया, उसके लिए आपने जेल में जाना पड़ा, तो अभी आप घर में बैठ जाओगे या फिर इसी तरह से आप संघर्ष करोगे आगे? भाई इससे भी ज्यादा संघर्ष करूंगी मैं जेल में, के इंसान नहीं जावे जेल में, जे नुता जेल में नहीं जावेंगे तो सरकार हमने डरावेगी, हम जेल में जावेंगे। ये बोलिया की मेरे तो बोलिया की भाई आपकी तारीख है, तारीख पर जाएगी, नहीं जाएगी तो फिर जेल में आऊंगी जरूर। मैं किसान मजदूर की आवाज उठाती रहूंगी, पहले से भी ज्यादा उठाऊंगी। और इस तानाशाही सरकार ने भाई जब तक ये मुंडा नहीं मुनी मारी जाती नहीं, सब तक अपील है भाई मेरी आज जोड़ के अपील है कि भाई सारे इस तानाशाही सरकार के खिलाफ खड़े हो जाओ, नहीं तो अपन या नूनी पता नहीं अपने साथ गरीबों के साथ क्या करें। एमएलए मंत्रियों के बैठे अगले, एमएलए मंत्री तो भाई कितने बड़े बड़े कांड करे हुए तो आराम से बैठे हैं, ये गरीब किसान गरीब मजदूर के बेटे हैं जो ये जेड़ा में जावे भाई, ये नहीं जानते जो गलत काम कर रहे हैं वहाँ भी कमाई। एक और देखे भाई ये तानाशाही सरकार बीजेपी सरकार जो महंगाई बैर वडेरी है, ये एक बिजनेस इसने जेल के अंदर भी खोल रहा है। ये हमारे गरीब लोग 200-200, 400-400, 500-500 रुपये करके उनके खाते में गिरे हैं, उन्हें बैर से मिला भाई बिल्कुल खाना योग्य खाना नहीं है, अपना वो खाना अलग तक बेचारी ले के सामान कैंटीन में था जिद पकावे जिद पेट भरे भाई, इतना गंदा खाना देवे अंदर, इतनी गंदी चाह देवे बेचारी, सारा लेडीजा का देखा मैंने जो भाई उड़े बिल्कुल जमा तानाशाही दिखे खाने के लायक नहीं, उड़े भी एक बिजनेस चले इस तानाशाही सरकार का बिजनेस चल रहा है अंदर भी, पता नहीं ये तो कमा के नोट कड़े लेके जाएगी, मारे तो कहानी नहीं समझ में आती। जेल है जेल में सुधरने खातर इंसान जावे है, लेकिन जो हालात अंदर के है नहीं वहाँ कोई भी इंसान सुधर नहीं सकता भाई, दूना बिगड़ सके क्योंकि ये तानाशाही सरकार के उड़ा काम करके जो इन्हें ये कैदियों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। सरपंच साहब जब पता लगा कि किसान की रिहाई होने वाली है तो भारी संख्या में किसान पहुंचे फूल मालाओं के साथ स्वागत में, क्या कहना चाहोगे? बहुत धन्यवाद करते हैं इनका सबका, किसान जो पहुंचे हैं, लेकिन मैं अंदर की हालत बताना चाहता हूं जो हम देख आए हैं। वहां खाना मिलता है कैदी को, कोई भी कैदी हो, कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, खाना मिलता है ना, जो 260 रुपये महीने कटते हैं उसके, उस खाने के सरकार 260 रुपये काटती है, खाना 60 रुपये का भी नहीं है वो। अगर दाल देखो नहीं आप उनकी दाल, जो गोता मारो नहीं उसमें बाल्टी में दाना नहीं पाओगे आपने, रोटी देख लेनी खाई नहीं जाऊंगी रोटी आप पे। जो अंदर के कैंटीन खोल रखी उनने, ये बता रही थी जो नीता कैंटीन खोल रखी नहीं, 16 रुपए का तो मंडल मिलता है, 10 रुपए का माचिस तो मिलती है नहीं वहाँ, 16 रुपए का मंडल मिलता है वहाँ पर देखने के लिए, चाहे और कुछ भी लोगे नहीं परौंठे जो भी लोगे, और वो तो खा ही नहीं सकता कोई भी उस तो जमा। मैंने कहूँ अगर कोई जमा जैसे किसी सड़ा भोजन नहीं हुआ बाहर भगा दें वो भी अच्छा उससे है, ये दूसरी बात है। वहाँ जो सरकार का रवैया है भीतर है अफसरों का उनका, मैं रणजीत चौटाला से जेल मंत्री से ये कहना चाहता हूँ, दौरा कर वहाँ जाके देख, जहाँ हम बैठे थे ना रिहाई के लिए, अंदर करे जब और बाहर आए जब, जहाँ हम बैठे थे नहीं 1.5 घंटा बैठे रहे हमें, हमारे ऊपर कोई पंखा नहीं था, कोई पानी पीने का प्रबंध नहीं था, उनसे हमने बात करी, मैं बोल रहा उनको भाई यहाँ को पंखा पंखा नहीं है के पानी पीने का नहीं, मरा के जानवर थोड़े हमें, उन्होंने कहा यही है। मैं चौटाला साहब को ये बात कहना चाहता हूँ, वहाँ कमीशन होता है सबका, ऊपर से नीचे ले कमीशन है, सभी को घसीटते हैं वो, बड़े लोग हैं जो उनसे उनकी चलती है, उन्हीं के काम होते हैं। ये जो कह रही थी नीता लाइटिंग साहब, हमने देखे हैं मजदूरों के बच्चे वैसे पकड़ रखे हैं, कोई आवारा गर्दी में पकड़ दिया कोई किसी में, उनको सवेरे झाड़ू उठवा देते हैं, बर्तन धुआते हैं उन पर, सब काम करवाते हैं, कपड़े धुआते हैं जो बड़े आदमी हैं भाई, लेकिन जो ताकत लगाते हैं वहाँ आवाज़ उठाते हैं उनको टोक देनी हुआ, भूखे रह सके हम आदमी, पैसे खाते में डले हैं, ऑनलाइन मिला सौदा, पैसे भीतर नहीं जा सकते, कपड़े भीतर नहीं जा सकते, एक कुछ भी बाहर का साधन नहीं जा सकता, अंदर कंटेन उन्हें की है, वही कुछ करो वहीं से लुटेरा, बिजनेस इतना बड़ा है वो, एक चीज़ 80 रुपये की नहीं वो 200 रुपये की मिलेगी वहाँ, कोई भी चीज़ है कुछ भी ले ले। तो बिगड़न का सौदा ही तो, अगर ये कंट्रोल नहीं होनी वहाँ से तो इतने बाहर निकलेंगे बिगड़ के बच्चे जिसका कौन है के उड़ा है कुछ नहीं है। हाँ सही आदमी हमें बिगड़ जाए भाई जब हम उनके हालत में डर जाए, लेकिन हमने तो आवाज उठाई है किसान मजदूर की, वहाँ उठाओ तुम भी करो भाई काम, यो तो हमें भी आड़ा आवाज उठाओ, लेकिन उड़ा कैमरा नहीं पहुंचने दें, पत्रकार ने नहीं पहुंचने दें किसी ने, माँ हमें आवाज उठावेंगे ही भाई जेल का गए आने वाले समय में, वहाँ दो नंबर के काम होते हैं, जितना राशन अंदर जाता है उतना बाहर बिकता है क्या, जितना 280 रुपये मिलते हैं 260 रुपये, 60 रुपये का खाना नहीं मिलता जिसमें फंसाए हैं पीओ घोषित करके, हाँ
पीओ घोषित कर दिया हमने, ठीक है। हम अंदर हो गए, किसानों कमजोर करने के लिए कड़ी तोड़ने के लिए, किसान जो भी आवे जेल में जाओ डर हो जाए, लेकिन कोई डर दे, ये तो चार दिन थे, हमें तो चार साल भी डरा भाई, चार साल भी डर दे, ये बात है। संघर्ष यूँ चलता रहेगा अभी से, पीछे नहीं भाई साहब जमा बिल्कुल भी। धन्यवाद। तो जो किसान है जो जेल के अंदर गए थे आज उनकी रिहाई हुई है, उनसे बातचीत करी है, तो आपने इस वीडियो को